मेरा नाम अब्दुल करीम है। आज CBSE का रिजल्ट आ चुका है तो हम CBSE के रिजल्ट के बारे में इनसे बात करेंगे। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमैरा है और मैं ओखला विहार में रहती हूँ। आज CBSE ने रिजल्ट अनाउंस किया है जिसमें मेरे 88% आए हैं 12th क्लास में। और आपने यहाँ पे क्या क्या करती हो? मैं यहाँ पे कैलीग्राफी करती हूँ, विजुअल आर्ट्स करती हूँ और अलग अलग तरीके की आर्ट्स करती हूँ, जैसे देवी पेंटिंग्स बनाती हूँ और जितने भी मतलब कैलीग्राफी में आर्ट्स अलग अलग होती हैं उस तरीके की मैं आर्ट्स करती हूँ। अच्छा, तो आपके जो ये मार्क्स आए तो इसमें आपको क्या क्या कैसे फेस करना पड़ा? इस बार के एग्जाम जो अनाउंसमेंट किया है CBSE ने, आपकी कितनी परसेंटेज आई इस बार आपकी? मेरी इस बार CBSE की 12th क्लास में 88% आई है। ओके, और अब आगे क्या करना चाहती हैं आप? मुझे आगे फ्यूचर में, मैंने मास मीडिया में भी कोर्स में फॉर्म भी फिल किए हैं, मैं चाहती हूँ अगर उसमें मेरा नाम हो जाएगा तो मैं मास मीडिया की तरफ जाऊंगी, क्योंकि उसमें न्यूज़ से रिलेटेड और पॉलिटिक्स से रिलेटेड बहुत ज़्यादा उसमें मतलब इंटरेस्ट होना पड़ता है, जिसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मतलब मीडिया में जाने के लिए। इस बारी जैसे ऑनलाइन आपकी स्टडी हुई है तो उसमें कोविड के ज़माने में आपने कैसे किस किस परेशानियों का सामना करना पड़ा? मैंने ऑनलाइन मतलब टीचर से इंटरेक्शन नहीं हो पाता था, जिसकी वजह से हम लोगों को फिर कॉल पे ही मैम से क्वेश्चन पूछना होता था तो कॉल पे डायरेक्ट मैम से क्लियर करना पड़ता था। और आगे आप जैसे मतलब लोगों को क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि स्टार्टिंग से ही हमें 12th में बेस बनाकर चलना चाहिए ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो, और स्टार्टिंग से ही चीज़ों को जितनी जल्दी क्लियर कर लिया जाए ज़्यादा अच्छा रहता है, एग्जाम तक का वेट ना किया जाए। और जैसे कोविड के ज़माने में ऑनलाइन स्टडी थी और आपको जैसे मतलब आगे जैसे पढ़ने के लिए पढ़ाई करी आपने जैसे भी करी, तो क्या क्या समस्या आती थी आपके सामने ऑनलाइन को लेकर के, और टीचरों का जैसे अट्रैक्शन नहीं हो पा रहा था आपका, तो उसमें आप क्या मैसेज देना चाहती कि कैसे करना चाहिए ताकि और अच्छे से हो सके आने वाले टाइम में? मैंने कुछ चीज़ें तो गूगल से करी है, यूट्यूब से हो गई जैसे, और टीचर्स भी वीडियोस भेजती आती थी तो उन चीज़ों से मिलाकर मैंने पढ़ाई की है अपनी, और मतलब आगे भी शायद अगर कोरोना पीरियड रहा तो वो भी शायद ऐसे ही कर ले। जैसे कि आपने बताया कि मास कम्युनिकेशन करना चाहती हैं, आगे पढ़ना चाहती हैं, तो उसके लिए आपको कैसी मेहनत करनी पड़ेगी, आगे क्या करना चाहती हैं और आप कहाँ पर पढ़ती हैं? मैं SKV नूरनगर में पढ़ती हूँ, मेरे स्कूल का नाम। और जो ट्यूशन का नाम आपने बताया था, वहाँ पे आप क्या सीखने के लिए जाते हैं? असीम आशा फाउंडेशन, यहाँ पे मैं 8 सालों से पढ़ती आ रही हूँ और यहाँ पे मुझे मीडिया के बारे में फोटोग्राफी सिखाई जाती है और अलग अलग चीज़ें जैसे कि देवी पेंटिंग्स हो गई, कैलीग्राफी हो गई एक्सेट्रा। ओके, मैं असीम आशा फाउंडेशन में 8 साल से पढ़ती हूँ, यहाँ पे मैं शुरू से ही सर से कनेक्टेड हूँ और यहाँ पे मुझे मीडिया में फोटोग्राफी सिखाई जाती है, पेंटिंग करना सिखाया जाता है और कैलीग्राफी सिखाई जाती है। यहाँ पे मेरी जो कॉलेज की जो अब कोर्स, उसमें मैंने मास मीडिया में फॉर्म भी भरा है, उसके लिए भी मतलब तैयारी कराई जा रही है, जैसे कि क्वेश्चन जितने भी आते हैं उसके लिए पूरा फॉर्मेट तैयार करके उसके बारे में मतलब कैसे आएगा क्वेश्चन, ये सब के बारे में पढ़ा जाता है।